हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 2 BHK अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है वो कासरवडवली लोकेशन में है। 2 बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट है विथ ऑल एमिनिटीज, जिसमें आपको स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, गार्डन, सारे एमिनिटीज मिलते हैं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जिसका पोजेशन है 2026 में, और ये है इसका लिविंग एरिया। सो लिविंग एरिया का जो साइज है 9.10 × 13.2। लिविंग एरिया से अटैच्ड है इसका किचन। यहाँ पे आपको एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट दिया है, बट आप इसमें एक एल शेप प्लेटफॉर्म लगवा सकते हो, एक एडिशनल वॉल डाल के इसको क्लोज्ड किचन भी बना सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, आपको कैसे आपके किचन को डिजाइन करना है पोजीशन के बाद में। किचन का जो साइज है वो है 8.6 × 7.7, और ये है आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में जो आपको विंडोज दी गई है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की है। जो नीचे का पार्ट है वो फिक्स्ड है और ऊपर का पार्ट मूवेबल है, देख सकते हैं। ये है आपका लिविंग एरिया। जो ये टावर है वो 30+ स्टोरी का टावर है, पार्किंग और सारे एमिनिटीज के साथ में। लोकेशन है कासरवडवली, और ये है आपका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का जो साइज है वो 6.7 × 4.1। कॉमन वॉशरूम के साथ ही आपको अटैच्ड एक यूटिलिटी एरिया आता है जिसमें आप वॉशिंग मशीन और कपड़े वगैरह सुखा सकते हो। यह है आपका फर्स्ट बेडरूम, जो कि है छोटा बेडरूम जिसका साइज है 10.4 × 8.1। तो इसमें आप एक सिंगल बेड या सोफा कम बेड वगैरह डाल सकते हो। ये देखिए, ये है आपका कॉमन बेडरूम। अब चलते हैं हम मास्टर बेडरूम की तरफ। तो मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है वो आपका साइज आता है 6.7 × 4.8। ये है आपका मास्टर वॉशरूम, और जो मास्टर बेडरूम का साइज है वो है 10.4 × 10.1। सो ऑलमोस्ट 100 square feet प्लस आपका मास्टर बेडरूम मिलता है आपको। तो गाइज, अगर आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपकी साइट विजिट, पिकअप एंड ड्रॉप वगैरह सारा हम प्लान कर देंगे। इसका प्राइस है 69.99 lakhs ऑल इंक्लूसिव। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल। सो गाइज, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट मेरे इस चैनल पर बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच।